आज बहुत ही एक प्रसन्नता का विषय है कि आज हम प्रधानमंत्री जी के इस आगमन को, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के इस आगमन को, भगवान कृष्ण की इस धरती पर काल और स्थान दोनों के हिसाब से हम यहाँ मानते हैं कि आज सिही गांव का वो स्थान जहाँ कृष्ण भक्ति की अविरल धारा बहाने वाले महाकवि सूरदास जी का जो जन्म सिही गांव, उसी के किनारे पर आज हम सभा में कर रहे हैं। और कल रात्रि को ही हमने भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी का जो पर्व मनाया है, आज का ये अवसर एक ऐसा अवसर जिस पर मैं आपको सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। प्रधानमंत्री जी, आपका ये हरियाणा में इस पिछले वर्ष भर के अंदर तीसरा हमारे यहाँ ये आगमन हो रहा है, और मैं वर्ष भर का यदि हिसाब लगाता हूँ तो ये तीसरा ही आगमन नहीं, बहुत निकट भविष्य में अगले आने वाले 15 दिनों के अंदर आप हमारी राजधानी चंडीगढ़ में भी आने वाले हैं, और 18 तारीख को आप हमारे सोनीपत जिले के कुंडली मानेसर का जो हमारा हाईवे है उसका उद्घाटन करने के लिए भी आप पधार रहे हैं। एक वर्ष में प्रधानमंत्री यानी लगभग 13 महीने में 5 बार हमारे यहाँ आ रहे हैं। मैं विशेष तौर पर आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। प्रधानमंत्री जी, आपने हमारे हरियाणा को एक प्रकार से अपना रखा, गोद ले रखा, इस मायने में कि हमारे प्रदेश के 4-4 मंत्री प्रत्यक्ष रूप से और 3-3 मंत्री परोक्ष रूप से अपने मंत्रिमंडल में लिए हुए हैं। 7 मंत्री एक छोटे से प्रदेश में से आपने अपनी टीम में लिए हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। 19 अगस्त को आप कैथल में आए थे, नेशनल हाईवे नंबर 152 जो 166 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग, उसका चौड़ाकरण करने के लिए, उसको सुदृढ़ करने के लिए आपने नींव का पत्थर रखा, उसमें उसका शिलान्यास किया, और फिर 22 जनवरी को पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो अभियान आपने शुभारंभ किया, जिसके हरियाणा में बहुत ही एक सार्थक परिणाम निकल रहे हैं। और मैं मानता हूँ हमारी जो अभी तक की जो भी कोई कमी रही होगी इस जेंडर रेशो में, हम इसको बहुत जल्दी इसको एक समान रेशो अथवा समान के निकट लाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। आपने उस दिन सुकन्या समृद्धि योजना इसका भी उद्घाटन किया, और आज बदरपुर से मुजफ्फर की ये जो मेट्रो रेल लाइन है इसका आपने अभी उद्घाटन करेंगे, और हमारे यहाँ फरीदाबाद के लगभग 2 लाख यात्री दैनिक यहाँ से राजधानी को आने जाने का अपना लाभ ले सकेंगे। आज मैं अपने प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता, अपनी प्रदेश सरकार और अपनी ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, फरीदाबाद नगर ये 1607 में संत बाबा फरीद ने बसाया था, और उसके बाद यहाँ एक देश की आज़ादी के बाद न्यू एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप इसको बनाया गया। पार्टीशन के बाद बहुत से लोग यहाँ आकर के उन्होंने अपना सारा लिया, और ये दशकों से जो पिछली सरकार की नीतियाँ थी, जो इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित हुआ था, जितनी प्रगति यहाँ होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, लेकिन मैं मानता हूँ आज आपके आने के बाद, और आप एक ऐसे प्रधानमंत्री हमारे प्रदेश को जो एक साल में 5-5 बार दौरा कर रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए फरीदाबाद जैसे शहर में जो दिल्ली से मात्र 1 घंटे के स्थान पर है, बड़ा औद्योगिक नगर रहा है, इससे पहले कोई प्रधानमंत्री यहाँ सन 1992 में आए थे, 23 साल बाद आज आप आए हैं। आप सारे दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं, आप पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, और हरियाणा के इन दौरों का लगातार आपका आना है। मैं मानता हूँ कि हमारे प्रदेश के लिए इन सब आगमनों का, इन जितनी बार भी आप हमें आएंगे, हमारे लिए लाभदायक होगा। हमें आपने फरीदाबाद स्मार्ट सिटी इस नाते से दिया है, तो स्मार्ट सिटी बनने के बाद निश्चित रूप से फरीदाबाद का विकास जो अभी तक रुका हुआ था वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा होगा। प्रधानमंत्री जी, हमारे यहाँ फरीदाबाद से और गुड़गांव 2 बड़े शहर हैं, इन दोनों बड़े शहरों में भी जैसे ही मैरोली से बदरपुर की लाइन बनेगी तो इसका सीधा संपर्क भी बनेगा, इसलिए गुड़गांव और दोनों फरीदाबाद बड़े नगर, इनका जुड़ना ये भी हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते केंद्र सरकार की योजनाओं में हमने पिछले दिनों में 10 महीनों में 924 किलोमीटर लंबे 9 राष्ट्रीय राजमार्ग की जो मंजूरी मिली है,
उसके लिए भी मैं आपकी बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ और हरियाणा की जनता इसका पूरा लाभ उठाएगी। हमने रेल बजट में भी जो आपने हमारे लिए 1074 करोड़ रुपए की 3 नई परियोजनाएं जो संक्षर की हैं उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वर्षों से KMP रोड कुंडली मानेसर पलवल, ये जो पिछली सरकार के कारण से उनके नीतियों के कारण से जो उलझी पड़ी थी, हमने आते ही उसको सुप्रीम कोर्ट से क्लियर कराया है, उसका काम चालू हो गया है। अगले 2.5 वर्ष में जैसे ही वो KMP का मार्ग पूरा होगा, इससे भी हमारा उद्योग इसको बहुत लाभ होगा, इसका काम हमने प्रारंभ करा दिया है। हमारी ये मेट्रो लाइन YMCA जहाँ आज मजेसर, यहाँ से बल्लभगढ़ तक की जो मेट्रो लाइन, इसका काम भी शुरू हो चुका है। बल्लभगढ़ भी एक ऐतिहासिक नगरी है, उस रेल लाइन के, उस मेट्रो लाइन के बनने के बाद फरीदाबाद बल्लभगढ़ का चौतरफा विकास और भी होगा। दिल्ली मेट्रो को गुड़गांव में हुडा सिटी सेंटर से सोना रोड तक का विस्तार, और इसी प्रकार बहादुरगढ़ तक का विस्तार, कुंडली तक का विस्तार, ये अगली परियोजनाएं हैं मेट्रो की जो हरियाणा में आगे बढ़ रही हैं। इन सब परियोजनाओं से हरियाणा में उद्योग और निवेश, इसका वातावरण अच्छा बना है। हम लोगों ने अभी अभी अपनी एक उद्यम पॉलिसी 2015 जो घोषित की है, उसमें बहुत से क्षेत्र जहां अभी तक उद्योग विकसित नहीं थे, ऐसे सब बैकवर्ड एरियाज में हम लोगों ने वहां के लिए उद्यमियों को नए नए रियायतें घोषित की हैं, और उन रियायतों के आधार पर अब विकास किसी एक जिले या एक कोने में नहीं होगा, बल्कि इसका विस्तार सारे प्रदेश में सम्मिलित तरीके से विकास होगा, ऐसा हमने अपनी योजना बनाई है। इस उद्यम नीति को घोषित करने के बाद हम लोगों ने अपना एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल ये लेकर, हम, मैं स्वयं, हमारे उद्योग मंत्री, कनाडा, अमेरिका, ये 8 दिन का टूर करके आए हैं, और इस 8 दिनों में वहाँ के निवेशकों ने, वहाँ के उद्यमियों ने बहुत रुचि दिखाई है। आपके ओजस्वी नेतृत्व के कारण से भारत का स्थान उन दोनों देशों में हमने महसूस किया कि बहुत ही एक आर्थिक भविष्य को लेकर के वहाँ एक बहुत बड़ा लोगों में विश्वसनीयता बढ़ी है, वे आश्वस्त हैं और हम भी आश्वस्त हैं कि वहाँ के लोग हमारे यहाँ आकर के और निवेश करेंगे। लगभग 10,000 करोड़ का विदेशी निवेश, इस निवेश के बाद हमको 40,000 लोगों को हम रोजगार दे सकेंगे, ऐसी इस नीति के माध्यम से, इस इन्वेस्टर के माध्यम से हम करेंगे। एक जानकारी वो इस रूम में आप सब लोगों को भी बताना चाहूँगा कि हम जनवरी महीने में अपने यहाँ एक इन्वेस्टमेंट समिट करने जा रहे हैं। इस इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से हम अपने यहाँ 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश और 4,00,000 लोगों का रोजगार, ये योजना हमारी सरकार की ओर से बनाई जा रही है, जिससे हरियाणा में रोजगार के नाते से हम लोग इस काम को करेंगे। डिजिटल इंडिया को लेकर डिजिटल हरियाणा, इन सेवाओं में भी हम लोग हरियाणा की जनता को, सरकार आपके द्वार इस योजना के अंतर्गत हम नीचे तक उन सेवाओं को ले जा सके, ये सब हम काम कर रहे हैं। मेरा कहने का भाव है, आपके कुशल मार्गदर्शन में हम लोग हरियाणा में समान विकास, गरीब से गरीब तक व्यवस्थाएं, उनका लाभ, केंद्र की योजनाओं का लाभ मिले, प्रदेश की योजनाओं का लाभ मिले, इसकी स्थापना करने का संकल्प, इसको हम अमली जामा पहनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रधानमंत्री जी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे जवान भाइयों बहनों, चाहे वो हवालदार हो, सिपाही हो, नायक हो, अरे आप ही तो देश की रक्षा करते हो, अगर ये OROP सबसे पहले मिलेगा तो आपको मिलेगा।